केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस आज देश भर में किसान विजय दिवस मना रही है। शिमला में भी कांग्रेस ने इसे किसानों की जीत करार दिया और जश्न मनाकर लड्डू बांटे। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता शिमला के शेरे पंजाब पर इकट्ठे हुए। कांग्रेस ने पहले आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा, उसके बाद लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान शिमला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि उपचुनावों में हार के बाद पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए और अब कृषि कानून की वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि ये किसानों और कांग्रेस पार्टी की जीत है। राहुल गांधी पहले से इन कानूनों का विरोध कर वापसी की मांग कर रहे थे। छाटा ने कहा कि इस सरकार की कथनी करनी में अंतर है, इसलिए जब तक सदन में इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हार के बाद भाजपा की तानाशाही जमीन पर आ गई है। उसने पास किए थे, चाहे किसान है चाहे कांग्रेस पार्टी है, वो शुरू से इसको लेके धरना प्रदर्शन और आंदोलन में लगी रही। जो किसान भाई हैं हमारे, हम उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहे, और जो हमारे किसान भाई हैं वो लगभग 1 साल से दिल्ली बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे। और कल जो है, जो सरकार ने ये तीनों बिलों को वापस करने की बात की है, उसको लेके जो है आज हम जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे, जो पूरे 1 साल कांग्रेस पार्टी इस बिलों को लेके आंदोलन करती रही है, तो आज हम लोगों के बीच जो हैं इस खुशी को बांटना चाहते हैं और लड्डू बांट रहे हैं लोगों को। साथ ही इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी है, उसके बाद जो है इस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया है। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था कि आप किसानों की सुनिए, किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनसे बैठ के बात करें। लेकिन मोदी सरकार ने और उनके मंत्रियों ने कभी भी कोई भी सुध नहीं ली, और राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि ये काले कानून आपको वापस देने ही पड़ेंगे, और आज वही हुआ है। आज जब हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव से जो करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है, आपने देखा फटाफट से जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इन्होंने जो कमी की है, और आज केंद्र सरकार को जो है इन 3 काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, किसानों की जीत है, और किसान अभी सड़कों पर बैठे हैं क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब तक इन्होंने पार्लियामेंट में इसके बारे में क्लियर संशोधन नहीं लाया तब तक किसान जो है डटे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है किसानों का। लेकिन आपको बैठक करने का या किसी के साथ डिस्कस करने का, किसी को कॉन्फिडेंस में लेने का, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है ना वो कल्चर ही नहीं है, ये तानाशाही है। और आज ये तानाशाही जमीन पे आ गई है। हमारे राहुल गांधी नेताजी जो हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो मर्जी कर दे, मोदी जी जितने मर्जी अपने डिंगे मारे, इनको काले कानून वापस लेने पड़ेंगे।